हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर में नवरात्रि के अवसर पर चल रहे दुर्गा पूजा उत्सव 2023 में भाग लिया। राज्यपाल शिमला से विशेष रूप मां दुर्गा की सांध्यकालीन आरती में भाग लेने पहुंचे। नगर आराध्य देव बाबा नाहर सिंह मंदिर पहुंचने पर पुजारी वर्ग ने उनका स्वागत किया। उन्होंने नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति की संस्थापिका डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने उन्हें मां दुर्गा की चुनरी ओढ़ाकर और दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल ने दुर्गा पूजा समिति का इस सौभाग्य के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल को उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक दल द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप स्मृति प्रतीक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके साथ बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्बाल, विधायक जेआर कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, जिला प्रशासन ने सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे। बिलासपुर कुठेड़ा से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। मैं आज नवरात्रि के अवसर पर आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के जो 22 वर्षों की तपस्या है वो देखने के लिए आया था। मूर्ति की स्थापना ये करती हैं मल्लिका जी, जो है पूरी तौर पर लोगों को बुलाती हैं। 5,000 से अधिक लोग प्रत्येक दिन, मुझे जो लोगों ने बताया कि यहाँ भोजन करते हैं, तो एक अद्भुत आनंद है। निश्चित रूप से यहाँ पर हिमाचल देवभूमि है और इस देवभूमि को और अधिक ऊर्जा देने का काम कर रही हैं। इस नाते मैं आया था, यहाँ आरती में सम्मिलित हुआ और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सभी लोगों को जो यहाँ के हैं आ करके यहाँ पर आरती में सम्मिलित होना चाहिए और दुर्गा जी के दर्शन करना चाहिए। आज धौलरे मंदिर के प्रांगण में हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय था कि महामहिम राज्यपाल जी जहाँ धौलरे मंदिर में भजिया जी के पास मत्था टेका, वहीं उन्होंने दुर्गा पूजा में शामिल होके हमारे दुर्गा पूजा समिति का मान सम्मान बढ़ाया। हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ दुर्गा पूजा में सम्मिलित होने का एक कार्यक्रम बना के यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी को अष्टमी, नवमी और दशमी के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ नवरात्रों की, कि आप आए और सब परिवार शारदीय नवरात्रे का आनंद उठाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।